हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन क्रिएशंस। मैं अमन आपका स्वागत करता हूँ। मुझे पता है आप इस एडिटिंग का बेसब्री से इंतजार करते हैं जो आपको थंबनेल पे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, इंतजार की इस घड़ी को अब खत्म करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एडिटिंग होने वाली है, धांसू एडिटिंग होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। आप ही एडिटिंग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, बट वीडियो पूरी देखनी होगी, स्किप ना करें, आपको ये पूरी तरह समझ में आएगी। तो गाइस, सबसे पहले आपको एक ऐसी पिक क्लिक करके उसे कट करके आपको गैलरी पे स्टोर कर लेनी होगी। और जो भी मैं बैकग्राउंड एंड पीएनजी यूज़ करने वाला हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सबसे पहले ये बैकग्राउंड ओपन कर लेंगे पिक्सआर्ट के अंदर, फिर एड फोटो पे जाएंगे। एड फोटो पे जाके अपना मॉडल यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ऐड कर लेंगे। ये मैं पार्ट पार्ट करके करके किया हूँ ऐड, ऐड करके इसे सेट कर लेंगे अच्छी तरह से। इरेज कर लेंगे यहाँ से, अच्छी तरह से सेट करेंगे फ्रेंड ये। इरेजर के टूल पे करके इरेज थोड़ा सा कर लेंगे साइड से। ऊपर से कर लेंगे डन, ओपेसिटी बढ़ा देंगे इसे। फिर एड फोटो पे जाएंगे, ये मॉडल का सेकंड पार्ट, ये मैं अलग किया हूँ, इसका पैर भी अलग से इसे ऐड करेंगे। यदि आपका एक ही साथ ये होता है तो आप एक ही साथ कर सकते हैं, ये इसमें फिक्स नहीं हो रहा था इसलिए मैंने ये अलग अलग से पार्ट पार्ट करके ये किया हूँ। सेट हो गई है, फिर एड फोटो पे जाएंगे, फिर ये हाथ वाला पार्ट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ ऊपर से लगाएंगे। यदि आपका सारा एक ही साथ आता है तो आप एक ही साथ कर सकते हैं, ये अलग से लेने की जरूरत नहीं है। मेरा फिक्स नहीं हो रहा था इसमें इसलिए मैंने ये अलग से लगाया है। ऊपर से कर लेंगे डन इसे भी, फिर एड फोटो पे जाएंगे फिर से। और हेयर पीएनजी ऐड करेंगे, ये मैं लिंक पे दे दूंगा आपको, बैकग्राउंड भी आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। सेट कर लेंगे अच्छी तरह से। ओपेसिटी कम करके इरेजर वाले टूल्स पे जाएंगे, नीचे से इसे इरेज करेंगे, हार्डनेस और ओपेसिटी कम करके नीचे से इसे निचला पार्ट इरेज कर देंगे। ऊपर से कर लेंगे डन, ओपेसिटी इसका बढ़ा देंगे हम पूरी तरह। ब्राइटनेस इसका सेट कर लेंगे अपने हिसाब से कर लेंगे। ह्यू भी अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। ऊपर से कर लेंगे डन इसे, ये सेट हो चुकी है।
ऊपर से डन कर लेंगे। एड फोटो पर फिर से जाएंगे और ये कैमरा पीएनजी मैं आपको लिंक में दे दूंगा, इसको भी ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जाके स्क्रीन मल्टीप्लाई में कर लेंगे, ये छोटा करके कॉर्नर पे लगा देंगे पैर के पास। डन कर लेंगे इसे। एफएक्स में जाएंगे, एचडीआर मोड पे कर लेंगे ये एचडीआर में। इरेजर वाले टूल्स पे क्लिक करके ये फेस और ये स्किन वाले पार्ट्स इरेज कर लेंगे, थोड़ा सा साइज छोटा करके। ये रेड आर है यहाँ, इसे भी इरेज कर लेंगे पैर में। फेस वाले पार्ट और ये स्किन वाले पार्ट्स इरेज कर लेंगे थोड़ा। इसे भी कर लेंगे डन ऊपर से हम। अब लेंस फ्लेयर वाले ऑप्शन पे जाके ये स्कूटर के हेडलाइट पे लगाएंगे, ये सिलेक्ट करके स्कूटर के हेडलाइट पे लगा लेंगे। एड फोटो पे जाएंगे, कोई सा भी आप पिक, ब्लू कलर जिस पे हो ब्लू कलर आप सिलेक्ट करना है इसमें। ये गूगल्स के कलर के लिए है, गूगल्स का कलर चेंज करेंगे हम लोग। ब्लू कलर कोई भी पिक से आप ब्लू कलर सिलेक्ट करके क्रॉप कर लेंगे उसे, गूगल्स वाले पार्ट में पूरी तरह से उसे ढक लेंगे और इरेज कर देंगे पूरा पार्ट। इरेजर वाले टूल से इरेज कर देंगे पूरा एड करने के बाद। अब ये बस हम गूगल्स वाले पार्ट पे रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर वाले ऑप्शन में जाएंगे साइज छोटा करके, ये बस गूगल्स वाले पार्ट पे हम रिस्टोर करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे उसे। तो ये मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ। ये आप ड्रॉ वाले टूल से भी कर सकते हैं, मगर वहाँ आपको ह्यू का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो बेटर यही है कि आप कोई भी कोई सा भी फोटो से ब्लू वाला पार्ट क्रॉप करके उसे सेट कर लेंगे यहाँ पे। एडजस्ट वाले जाएंगे, इसका सेचुरेशन वगैरह सब सेट कर लेंगे गूगल्स का। ये ह्यू वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलता वहाँ, इसमें कोई सा भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद ये कलर चेंज होगा उससे। जो आपको अच्छा लगे सिलेक्ट कर लेंगे। तो एडजस्ट हो गई है, ऊपर से कर लेंगे डन इसे भी। अब थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं इसमें, ऊपर से कर लेंगे डन। ड्रो वाले टूल्स पे जाएंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करके सेव कर लेंगे गैलरी पे। अब इसे लाइट रूम में ओपन कर लेंगे, तो ये लाइट रूम में ऐड हो चुकी है। ऑटो टूल्स अप्लाई कर लेंगे, कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे मिक्स कलर पे, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करके लुमिनेंस बढ़ा देंगे। स्किन टोन से चेंज होता है आपका, देखिए देख सकते हैं। ग्रीन कलर का ह्यू बढ़ा देंगे पूरा, ब्लू कलर का ह्यू कम कर लेंगे और ब्लू कलर का सेचुरेशन थोड़ा सा बढ़ाएंगे। टेक्सचर बढ़ा लेंगे, क्लैरिटी बढ़ा लेंगे, विग्नेट कर देंगे कम, विग्नेट माइनस में ले जाएंगे,
फीडर बढ़ाएंगे इसका, फीडर बढ़ा देंगे थोड़ा, 100 कर लेंगे फीडर। अब डिटेल्स वाले टूल पे जाएंगे, शार्पनिंग बढ़ा देंगे, रेडियस भी बढ़ा देंगे 1.5, और इसका डिटेल भी बढ़ा देंगे 78 आसपास। नॉइज रिडक्शन 50 के करीब कर लेंगे, और एक कलर नॉइज रिडक्शन भी बढ़ा देंगे 50 के आसपास। तो गाइज ये फोटो आपको कैसी लगी, एडिट हो चुकी है पूरी तरह से, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रहा है इसमें। तो गाइज आप ऐसी एडिटिंग करते हैं तो इंस्टा में मुझे टैग करें, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ऐसी एडिटिंग करते हैं तो इंस्टा में टैग जरूर करें फ्रेंड्स, सेव कर लेंगे।